सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। यूपी में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को अब इस चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने जहां पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाए हैं, तो वहीं सपा ने राम जतन राज पर और रामकरण पर दाव खेला है। दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ समेत दोनों ही डिप्टी सीएम नजर आए, तो वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहीं ना कहीं नामांकन के दौरान नदारद नजर आए। पालिका में समाजवादी पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, सबसे अच्छा। चैनल में भी मैंने आप लोगों के देखा है कि टाउन एरिया के सभासद, टाउन एरिया नगर के पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के सदस्य और पार्षद में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों से जीती है और विपक्ष सबसे ज़्यादा सीटों जीता है और बीजेपी बहुत कमज़ोर हुई है, लेकिन प्रचार बीजेपी विज्ञापन के माध्यम से उल्टा करा रही है। मैदान पर खड़े व्यक्ति की राजनीति करती है और ऐसे व्यक्ति को बढ़ाने का काम हरदम आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया और वही काम आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कर रही है। क्या नामांकन कराने अखिलेश यादव जी जाएंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन हम सब लोग जाएंगे, सारे विधायक जाएंगे और मुख्य सचेतक हैं, हम स्वयं रहेंगे। समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों का आज जो है वो नामांकन करने विधानसभा जाएंगे। अभी उन दोनों प्रत्याशियों के नाम तय हो करके उनको साथ लेकर के जाएंगे और उसी लिए अभी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधायकों की बैठक बुलाई है, उसी बैठक में हम लोग जा रहे हैं। तो आज एमएलसी के लिए जो भाजपा और सपा है, दोनों के ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है। तो जहां एक तरफ नामांकन की पूरी प्रक्रिया के दौरान भाजपा के दोनों ही प्रत्याशियों के साथ तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नजर आए, तो वहीं सपा के जब प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे थे तो उनके साथ कोई भी दिग्गज नेता मौजूद नहीं था, जबकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी नदारद रहे। तो एक लंबे मंथन के बाद आज सपा ने अपने जो प्रत्याशियों का ऐलान किया है, तो वहीं बीजेपी ने पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह पर अपना दाव लगाया है। तो वहीं सपा ने भी तमाम दाव पेचों का इस्तेमाल करते हुए तमाम रणनीति को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। तो आपको बताते चले कि 29 मई को जो एमएलसी के चुनाव है उसके लिए अपने वोट का इस्तेमाल विधानसभा के सदस्य करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बताते चले कि विधान परिषद के लिए जो वोट डाले जाते हैं वो विधानसभा के सदस्य डालते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा में भाजपा का पलड़ा तो भारी है, लेकिन सपा भी लगातार जीत के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आएगी। तो एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, 29 मई को एमएलसी चुने जाएंगे, 2 एमएलसी की सीटों पर चुनाव होना है और विधानसभा के सदस्य ही विधान परिषद के लिए मताधिकार का अपने इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में विधानसभा में तो भाजपा का पलड़ा भारी है, ये तो सभी को पता है। तो ये एमएलसी की राह सपा के लिए कितनी मुश्किल साबित होने वाली है? नमस्कार, अगर बात की जाए तो आने वाले 29 मई को उत्तर प्रदेश में रिक्त 2 सीटों पर, विधान परिषद की 2 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी का नामांकन आज संपन्न हो गया है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव एक चुनौती का विषय होगा, क्योंकि विपक्ष के रूप में, विपक्ष की कुर्सी पाने के लिए समाजवादी पार्टी को एक विधान परिषद का सदस्य कहीं ना कहीं उनके पाले में आना चाहिए। ऐसा सपा के लिए एक चुनौती का विषय बना हुआ है, क्योंकि बात करें तो विधान परिषद की 100 सीटों में से महज 9 सीटें ही सपा के पास है और 10 सीट अगर आती है, यानी कि 1 सीट और हो जाती है, आंकड़ा दहाई में पहुंचता है, तो सपा विधान परिषद के अंदर में कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर काबिज होगी। अगर बात करें तो विधान परिषद के अंदर में अभी हाल फिलहाल में कोई भी विपक्ष नहीं है जिसका कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पूरी तरह से अपने बिलों को या अपनी बातों को रखते हुए नजर आता है और विपक्ष की तरफ से कोई सवाल नहीं होता है। तो इस चुनाव में जहां देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पद्मसेन चौधरी और साथ ही साथ मानवेंद्र सिंह
जहां आप चुनावी मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पे उतारे गए हैं, तो आज नामांकन हुआ ठीक 12 बजे। आपको बताया कि आज नामांकन हुआ, जिसमें नामांकन के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम, साथ साथ है संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और साथ साथ एमएसएमई मंत्री राकेश सचान समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपको बताएं कि ठीक है विभांशु, अभी आपने जिक्र किया कि जब भाजपा के प्रत्याशियों का नामांकन हो रहा था तो उस दौरान तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ या दोनों ही डिप्टी सीएम क्यों ना हो। तो जब सपा के प्रत्याशियों का नामांकन हुआ तो क्या उस दौरान कोई नेता वहां मौजूद रहा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक चुनावी प्रक्रिया के तहत इसमें कहीं ना कहीं गारंटर बनना पड़ता है, तो पार्टी के जो उच्च पद अधिकारी होते हैं वो गारंटर के तौर पर यानी कि प्रस्तावक के तौर पर इस चुनाव में, कहीं ना कहीं कोई भी चुनाव होता है प्रस्तावक की एक अहम भूमिका होती है, तो प्रस्तावक के तौर पर सपा के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा, जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, साथ ही साथ आपको बताएं कि मिल्की से 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद और सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे जब नामांकन हुआ तो मौजूद रहे। आपको बताया कि राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल पर समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद के उपचुनाव पर भरोसा जताया है। ये बिल्कुल विभांशु, अभी आपने सपा के दोनों ही प्रत्याशियों के नामों का जिक्र किया तो क्या कुछ समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सपा ने इन दोनों ही प्रत्याशियों का ऐलान किया है? क्योंकि जाहिर सी बात है ये हम सभी ने देखा था कि जब पहले भाजपा के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका था उसके बाद सपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी। जी मुस्कान, अगर बात की जाए तो आज जहां अगर बात करें तो भाजपा 2 दिन पहले ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कल समाजवादी पार्टी पर एक निकाय चुनाव की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जो समाजवादी पार्टी का रिजल्ट रहा है उसको लेकर चर्चा की गई, और उसके ठीक बाद आज फिर बैठक रखी गई। इस बैठक में जो तमाम नाम थे उस पर से 2 नामों को चुना गया और आज ही नामांकन का जो प्रक्रिया था वो पूरा कर लिया गया। तो सपा कहीं ना कहीं चुनौती का विषय है और समाजवादी पार्टी, अब गठबंधन की बात करें तो सपा के लगभग 118 विधायक गठबंधन को जोड़ के कब देखें 118 लगभग विधायक है, वही भारतीय जनता पार्टी के केवल स्वयं की बात करें तो 264 से ऊपर विधायक है। साथ ही साथ निषाद पार्टी, अपना दल के भी विधायक, अपना दल एस के भी विधायक भाजपा के साथ है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अगर समीकरण में कुछ बदलाव होता है, अगर इस विधान परिषद के उपचुनाव में क्रॉस वोटिंग होती है, और हर एक अगर देखें तो सपा के लिए मुश्किल कहीं ना कहीं ये चुनाव है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायकों के और साथ ही साथ गठबंधन के जो उनके घटक दल है उनके नेता अगर सपा के पक्ष में वोट करते हैं तब भी कहीं ना कहीं ये सफर सपा के लिए मुश्किल होगा अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो। अब देखने वाली बात ये होगी कि 29 मई को उपचुनाव पर कहीं ना कहीं वोटिंग होगा, जिसमें प्रदेश के विधान परिषद के और साथ ही साथ विधानसभा के तमाम जो विधायक गण हैं वो इसमें अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि नतीजों में क्या निकलकर साफ हो पाएगा। बिल्कुल विभांशु, 29 मई की तारीख बेहद दिलचस्प होगी क्योंकि इस दौरान जो नतीजे है वो भी कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ जाएंगे। धन्यवाद विभांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वही पहलवानों के साथ चल रहे विवाद के बीच बीजेपी सांसद बिजभूषण शरण सिंह 5 जून को अयोध्या में जन चेतना महारैली करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई साधु संतों और सामाजिक संस्थानों से जुड़े लोग भी रैली में मौजूद रहेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में चल रहे पहलवानों के और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिजभूषण शरण सिंह लाखों की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करते हुए भी इस रैली के जरिए दिखाई देंगे। तो जन चेतना महारैली 5 जून को अयोध्या में होने वाली है, जिसको बिजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता में निकाला जाएगा और इस पोस्टर पर साफ साफ ये भी लिखा है कि जो साधु संत है उनके आह्वान पर ये रैली निकाली जा रही है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं बिजभूषण शरण सिंह शक्ति प्रदर्शन करने का पूरा प्रयास करते नजर आएंगे। तो जहां एक तरफ दिल्ली में पहलवानों के विवाद में लगातार बृजभूषण शरण सिंह घिरते हुए दिखाई दी है, जंतर मंतर पर लगातार तकरीबन 24 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है जब प्रदर्शन जा रही है, तो उसी बीच साधु संतों के आशीर्वाद के सहारे कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि बिजभूषण शरण सिंह अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे जन चेतना रैली के जरिए जो आगामी 5 जून को आयोजित होने वाली है। तो विवादों की बयार
ये तो हम सभी ने देखा कि किस तरीके से जो ठंडी से शुरू हुआ यानी कि जनवरी के महीने से शुरू हुआ विवाद अभी फिलहाल गर्मी के मौसम तक यानी कि मई तक लगातार जारी है। तो उसी बीच कहीं ना कहीं अपना जनाधार बढ़ाने और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बृजभूषण शरण सिंह जनचेतना महारैली करते हुए दिखाई देंगे रामकथा पार्क अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की नगरी से कहीं ना कहीं अपनी शक्ति प्रदर्शन का प्रयास करते हुए नजर आएंगे सांसद बृजभूषण शरण सिंह। जी हाँ, मौजूदा वक्त में कैसरगंज सीट से सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, जो अयोध्या में अपने शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं पहलवानों से विवाद के बीच साधु संतों को अपनी धार बनाए हुए बृजभूषण शरण सिंह शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई देंगे। तो 5 जून अयोध्या चलो, ये वही पोस्टर है जिसको आज जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि ये जन चेतना रैली है जो कि साधु संतों के आशीर्वाद से की जा रही है। और इस रैली के जरिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह पर लगातार सवाल उठते हैं शोषण के, जिस तरीके से पदकवीरों ने ये सवाल उठाए थे बृजभूषण शरण सिंह पर और लगातार उन पर विवाद और शिकंजा दोनों ही कसता जा रहा था, तो उसी बीच एक बार फिर से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बृजभूषण शरण सिंह ने राम की नगरी अयोध्या और कहीं ना कहीं साधु संतों का नाम लेते हुए एक जन चेतना महारैली का आयोजन करने का फैसला लिया है। तो 2024 से पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे जन चेतना महारैली के जरिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ी है। सुहानी, एक तरफ तो विवादों में घिरते हुए लगातार नजर आ रहे हैं सांसद बृजभूषण शरण सिंह, तो दूसरी तरफ वो जन चेतना महारैली कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि इस महारैली के जरिए वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे? आपको बता दें कि ये जब से प्रदर्शन जो जंतर मंतर दिल्ली जंतर मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 26 दिन हो गया, लेकिन कहीं इसका कोई ना तोड़ मिल रहा है ना इससे कोई फैसला आ रहा है और ये जो प्रदर्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। वही आपको बता दें कि अब जो जो बृजभूषण सिंह है बीजेपी के सांसद, अब ये अपने पक्ष में एक जन चेतना महारैली शुरू करने जा रहे हैं और ये महारैली जो है अयोध्या से शुरू करने जा रहे हैं और ये 5 दिन में ये शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि इसमें अयोध्या से तमाम अयोध्या से लेकर तमाम जो ऐसे साधु संत हैं जो कि इसमें शामिल होंगे और साथ ही जो सामाजिक जो जनता होगी वो भी इस रैली में शामिल होगी। उसके खासतौर पर जो जितने भी साधु हैं और जो सामाजिक लोग हैं उनका कहना है कि ये जो झूठा आरोप जो संसद बृजभूषण सिंह पर लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पूरा बेबुनियादी है। वो ऐसा कुछ उनसे आरोप भी लगाया पूरा तरह से कोई यौन शोषण नहीं किए हैं, ये आपको बता दें पूरी तरह से ये राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है और जो विपक्ष के पार्टी है। ठीक है सुहानी, जिस तरीके से ये जन चेतना रैली करने का फैसला लिया है बृजभूषण शरण सिंह ने, तो क्या वाकई में अभी उनको इसकी जरूरत थी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि जन जो आपको ये रैली जो निकाल रहे हैं ये जन चेतना महारैली, कहीं ना कहीं ये हमको या जनता को भी ये सही नहीं लगे, इनको अपने पक्ष में बातें रखना चाहिए, अपनी सबूत दिखाना चाहिए, लेकिन ये जो रैली करके इसमें जो धार्मिक मुद्दा ला रहे हैं राजनीतिक मुद्दा में जो धार्मिक मुद्दा लाया जा रहा है हर जगह, अब ये सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भगवान राम या हनुमान के जो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जो नेता हैं वो अब कहीं ना कहीं धार्मिक संस्थाओं से राजनीतिक को जुड़ रहे हैं। कहीं भी देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो सपा हो, ये सभी पार्टी जो है अब धार्मिक मुद्दे में घुस गए हैं और इसको लेकर अपनी रैलियां करते हैं दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही साबित नहीं हो रहा है। लेकिन जब बृजभूषण सिंह इसे महारैली शुरू करने जा रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि इस रैली से जो आरोप लगा है वो बेबुनियादी हो जाएगा या उसका फैसला हो सकता है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उनका साफ तौर पर जो साधु उनका कहना है कि अगर रैली अगर जो प्रदर्शन जो पहलवान दे रहे हैं अगर ये खत्म नहीं होता है तो हम अब दिल्ली पर जाके कूच करेंगे। ठीक है सुहानी, हमने पोस्टर में देखा जो जन चेतना महारैली का पोस्टर देखा उसमें साफ साफ तौर पर ऊपर एक लाइन लिखी है कि साधु संतों के आह्वान पर, तो आखिर ऐसे कौन से साधु संत हैं जिन्होंने उनसे आह्वान कर दिया? जी मुस्कान, आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि अयोध्या के जितने भी लाखों जो साधु संत हैं और तमाम ऐसे जो मंदिरों के जो साधु संत हैं वो इनके पक्ष में आ रहे हैं, यहाँ तक कि सामाजिक जो लोग हैं वो भी इससे जुड़ने जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो अब क्या ये बात हो सकती है, भी तो ये खुल के बात नहीं आई है कि क्यों आखिर जो साधु हैं अयोध्या के वो इनके समर्थन में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि क्या ये जो राजनीतिक मुद्दा बन गया है यूपी वर्सेस हरियाणा, तो क्या इसको लेकर कहीं साधु इनके संपर्क में आए होंगे? लेकिन साफ
साफ तौर पे साफ नहीं हो रहा है कि आखिर जो साधु है इनके महारैली जन चेतना में क्यों शामिल हो रहे हैं। ये बात आगे कहीं आगे खुल सकती है, लेकिन सोचने की बड़ी बात है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आगे बृजभूषण सिंह आखिर इससे क्या साबित करने जा रहा है। बिल्कुल सुहानी, जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो पदकवीर बैठे हैं, जो लगातार जो रेसलर्स है प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाएं, और या यूं कहें कि जो हमारी महिला खिलाड़ी है वो जिस तरीके से उन पर शोषण के आरोप लगा रही है, ऐसे में ये जन चेतना महारैली आखिर इसकी जरूरत क्या है? पहले वो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं ठंडा होने देते, फिर उसके बाद ये रैली करते। जी 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 मुस्कान, आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी मुझ पर ये यौन शोषण का आरोप लग रहा है ये बेबुनियादी है। जो भी अगर सजा हमें पूरी तरह से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस पे विश्वास है, जो भी हमें सजा मिलेगा मंजूर कर लेंगे। लेकिन बीच में आखिर उनके मन में ये क्या आया कि अब वो जन चेतना महारैली निकाल रहे हैं, और इससे आखिर क्या साबित होने वाला है ये तो अभी साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब 5 जून से देखेंगे कि इस रैली से क्या फर्क पड़ा। लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये 2024 लोकसभा जो चुनाव आ रहा है उसमें जो सिंह है वो अपनी छवि को दिखाना चाह रहे हैं या इस रैली से अपने आप को जनता के बीच लाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि धार्मिक मुद्दा अब इस जो धरना प्रदर्शन से जुड़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये दिखा जा रहा है कि सही साबित होगा या नहीं ये तो 5 जून के बाद देखा जाएगा। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन है इसके लिए भी कोई फैसला नहीं आ रहा है। तो साफ तौर पर जो पहलवान है उनका भी यही कहना है कि जब तक बृजभूषण सिंह को सजा नहीं मिल जाती हम ये धरना प्रदर्शन विदेश तक ले जाएंगे, यहाँ तक गांव तक। बिल्कुल सुहानी, जो है एक तरफ धरना प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है, तो वही एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह भी जन चेतना महारैली के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करते हुए जनता को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही बसपा प्रमुख मायावती ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। तो वहीं बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में बसपा का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने पर भी काम चल रहा है। इन सबके बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो अकेले लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़ेंगी। सुबह से ही बीएसपी में बैठकों का दौर जारी है, और बीएसपी में एक और बैठक होनी है जो मायावती के आवास पर ही होगी। ये दो चीज़ें हैं, हम लोगों ने बहुत अभी देखने को मिला है, इसमें हम बेहतर नंबर फार्म किए हैं। अगर पूरा देखा जाए इसमें जब दो पार्टियां जब एक साथ मिलकर लड़ेगी तो निश्चित रूप से अब देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर लड़ी। अब सहारनपुर में अखिलेश जी दो बार गए और वहाँ पर उनके पार्टी को मिल रहा है 20,000 और हमारी पार्टी को 2,00,000 मिल रहा है। इसका मतलब कि इन्होंने पूरा अपना वोट डाइवर्ट कराया। तो इसी से सब चीज़ों पर चर्चा होगी। प्लीज़ थोड़ा सा समय दीजिए, लौट के आ। तो 2024 के चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार बैठकें करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी है कि किस तरीके से जो भी नतीजे हैं उस पर मंथन चल रहा है। तो वही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही 2024 के चुनावी रण में उतर कर चुनाव लड़ेंगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, जहां एक तरफ बसपा कार्यालय के अंदर बैठकों का दौर जारी है, तो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है कि वो लोकसभा का चुनाव अब अकेली लड़ती हुई दिखाई देंगी, उनके लिए ये राह कितनी मुश्किल होने वाली है? देखिए मुस्कान, जिस प्रकार से निकाय चुनाव के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बैठक बुलाई थी, और इस बैठक में 18 मंडल के मंडल अध्यक्ष, 75 जिलों के जिलाध्यक्ष, नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, राष्ट्रीय महासचिव सुशील चंद्र मिश्रा और एकमात्र बसपा के विधायक उमा शंकर सिंह इस बैठक में शामिल हुए। मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक में सबसे पहले उन्होंने अपने जनता का धन्यवाद दिया जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी भरोसा जताया बहुजन समाजवादी पार्टी पे। इसके बाद लगातार उन्होंने सत्ता पक्ष पे कई आरोप लगाए कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश में डबल इंजन की सरकार है, महंगाई व्याप्त है, बेरोजगारी व्याप्त है, लेकिन लगातार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो है वो जायज है। इसके अलावा जिन सीटों पे महिला आरक्षण सीटें थी या जो ओबीसी आरक्षण सीटें थी उस पर मैनिपुलेशन का बड़ा आरोप जो है आज के समीक्षा बैठक में मायावती ने लगाया है। इसके बाद अगर बात करें तो सभी कार्यकर्ताओं को जो है
चाहे वो बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी हो या छोटे कार्यकर्ता हो, जितने लोग इस समीक्षा बैठक में शामिल थे सभी को एक मंत्र फूका है मिशन 2024 के लिए, और ये रणनीति बसपा बना रही है अकेले दम पे बीजेपी को जो है वो यूपी से साफ कर देगी, ये संकल्प जो है सभी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को उन्होंने दिलाया है। ठीक है विवेक, अभी आपने जिक्र किया कि किस तरीके से आज बसपा कार्यालय पर जो बैठक हुआ उसमें कहीं ना कहीं निकाय चुनाव की हार की समीक्षा हुई, वहीं धांधी का भी आरोप लगाया गया, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से प्रदर्शन होना है इसको लेकर भी एक कहीं ना कहीं एक चुनावी मंत्र दिया गया। लेकिन आज शाम से मतलब अभी कुछ ही देर में जो बसपा सुप्रीमो मायावती की आवास पर एक अहम बैठक होनी है, उसमें कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल होंगे और उस बैठक में क्या कुछ ऐसा विषय है जिस पर चर्चा हो सकती है? देखिए शाम 4 बजे ये बैठक जो है मायावती के आवास पे होनी थी, जिस प्रकार से देखा जाए कि सुबह एक बैठक कार्यालय में हुई और शाम को भी जो है ये बैठक कर रहे हैं जिसमें काफी प्रमुख लोग जो रहेंगे। सुबह के बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, तमाम बड़े जो पदाधिकारी थे वो सम्मिलित होते, लेकिन ये जो बैठक है ये प्रमुख लोग इसमें मौजूद रहेंगे जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और उमाशंकर सिंह विधायक, सतीश चंद्र मिश्रा और नेशनल कोऑर्डिनेटर, ये तमाम प्रमुख लोग जो है इस बैठक में वो शामिल होंगे। इस बैठक में काफी कुछ रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी कि किस स्तर पे जो है रणनीति बनाया जाए और पार्टी को अगली ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, क्योंकि बहुजन समाजवादी। ठीक है विवेक, अक्सर हमने देखा है कि चाहे वो अभी निकाय चुनाव भी हुआ तो उसमें बसपा का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा और मायावती कहीं प्रचार करती हुई भी नजर नहीं आई, लेकिन 2024 का चुनाव एक बड़ा चुनाव है और ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, तो क्या 2024 के चुनावी मैदान में मायावती उतरेंगी, इसको लेकर के क्या कुछ अभी तक सामने आए हैं? देखिए बिल्कुल उतरना ही पड़ेगा, जिस प्रकार से हमने देखा है कि निकाय चुनाव में उन्होंने प्रचार तक नहीं किया और पार्टी की स्थिति साफ है, कहां 2017 में निकाय चुनाव में 2 मेयर बसपा के थे लेकिन इस बार एक सीट भी मेयर की बड़ी 16 से 17 हुई, लेकिन बसपा जो है वो खाली हाथ से उसे संतोष करना पड़ा, तमाम एलिगेशन जो है ईवीएम के लगा रही है और बसपा ने ये भी कहा कि अगर मेयर का जो चुनाव है वो ईवीएम के बदले अगर बैलेट से होता तो स्थिति कुछ और जो है होती दिख सकती थी, कि वो तो वही पुरानी बातें चल रही है कि ईवीएम की जगह बैलेट होता तो हम ये करते हम वो करते, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जब तक आपका बड़ा नेता ग्राउंड पे नहीं आएगा, ग्राउंड स्तर से काम नहीं करेगा, जनसंपर्क नहीं करेगा, जन अभियान नहीं करेगा, तब तक कार्यकर्ता बिल्कुल कहीं ना कहीं गलती एक दोनों ही पार्टियों ने की है, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों के सुप्रीमो चुनावी मैदान में एक्टिव नजर नहीं आए थे। धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश पाल हत्याकांड का सबसे चर्चित नाम यानी कि गुड्डू मुस्लिम अभी भी पकड़ से दूर है, पुलिस और ना जाने कितनी एजेंसियां इस बमबाज को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है लेकिन नतीजा जस का तस। इन सबके इतर एक और चीज है जो अपनी ओर लोगों का ध्यान लगातार आकर्षित करवा रही है, वो ये है कि आखिर अब तक गुड्डू मुस्लिम के घर और दुकान पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक ताबीज है जो गुड्डू मुस्लिम को कहीं ना कहीं बचा रहा है। तो गुड्डू मुस्लिम के घर और दुकान के बाहर एक ताबीज लटका दिखा, जिस ताबीज को लेकर अब ये भी लोग कह रहे हैं कि ये वही ताबीज है जो गुड्डू मुस्लिम को बचा रहा है, जिसकी वजह से गुड्डू मुस्लिम लगातार पुलिस की पहुंच से बहुत बहुत दूर है, यूपी एसटीएफ की पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन इन सबके बीच जो एक बड़ा सवाल सबके जहन में, प्रदेश की जनता के जहन में उठ रहा है कि अगर जो गुड्डू मुस्लिम है उसके घर और दुकान पर आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जमींदोज क्यों नहीं किया गया उसका दुकान और घर, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ा नाम सामने आया था वो था गुड्डू मुस्लिम का, और अभी तक इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम के घर और दुकान पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अब जो एक ताबीज है वो लगातार चर्चा का विषय बना है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। कलीम, गुड्डू मुस्लिम के घर के बाहर एक ताबीज मिला है जो जिसको लेकर अब लोग ये कह रहे हैं कि वो ताबीज है जो गुड्डू मुस्लिम की रक्षा लगातार कर रहा है। देखिए मुस्कान जी, ये वही बात हो गई कि हम ही चोर हैं, हम ही कोतवाल हैं, क्योंकि ताबीज अगर किसी की सुरक्षा कर रहा होता तो फिर हर जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं या फिर जितने भी माफियाओं पर कार्रवाई हुई है तो वो अपने घरों के बाहर एक ताबीज टांग देते, क्योंकि ताबीज टांगने से अगर उनकी सुरक्षा हो जाती तो फिर हर माफिया आज सुरक्षित होता, क्योंकि ताबीज
इसलिए टांगा जाता है, जैसा कहा जाता है हर धर्म में, चाहे वो फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर घरों में अपनी सुरक्षा के लिए, परिवार की नज़र को बचाने के लिए, उन सभी के लिए दरवाजे पर, घरों पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें टांगी जाती है जिससे बुरी बलाओं से लोग बचने का दावा करते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को कहा जाए कि घर के बाहर या दुकान के बाहर कोई तावीज़ टंगी है तो उससे कार्रवाई से बचा जा रहा है, तो ये एक बेतुखी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कली भी बेतुकी सी बात है कि अगर ऐसे ही सारे अपराधी अपने घर के बाहर तावीज टंगा दें तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कली, अब जो एक बड़ा सवाल ये है कि जो गुड्डू मुस्लिम के जो दुकान और जो घर है, आखिर उसको अभी तक जमींदोज क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये चीज इसलिए है क्योंकि जहां पर गुड्डू मुस्लिम और उसकी दुकान जो बनी हुई है, वो जगह की जो रोड है वो काफ़ी छोटी है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम एक गाड़ी से भी निकलेंगे तो फिर दूसरी गाड़ी को रुकना पड़ जाएगा। तो ऐसी गलियों में जब मकान बने होंगे तो उसको जमींदोज करने के लिए जो बिल्डोजर की बात कही जाती है कि बिल्डोजर वहाँ ले जाया जाएगा, लेकिन जब उसको जगह ही नहीं मिलेगी तो आखिर वो अंदर कैसे पहुँचेगा? क्यों, दूसरी चीज़, अगर जमींदोज करना है तो जिस तरीके से लेबरों की सहायता लेकर मकानों को ध्वस्त किया जाता है, उस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे सवाल कुछ और है, जवाब भी कुछ और, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी मामलों में संलिप्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब बड़े से बड़े माफियाओं को जमींदोज कर दिया गया तो आखिर गुड्डू मुस्लिम को क्यों नहीं किया जा रहा? कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड के बाद से गुड्डू मुस्लिम फरार है, उस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया, उसके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई, लेकिन किसी तरह की सफलता नहीं मिली। इन सभी विफलताओं के बीच अब ताबीज़ का नाम लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम, उनके हाथ नहीं आ रहा, शासन के हाथ नहीं आ रहा, प्रशासन के हाथ नहीं आ रहा, तो उसके बाद ये एक बात कहना कि उसकी तो बिल्कुल कलीम, ये ध्यान भटकाने का तो बहुत अच्छा तरीका निकाला गया है कि ताबीज का नाम लेके कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है उसको थोड़े दिन के लिए दबाया जा सके कि कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन कलीम, गुड्डू मुस्लिम को लेकर ये कहा जाता है कि वो एक ऐसा बमबाज है जो महज 5 मिनट के अंदर बम बना दे और एक पूरी इमारत को ध्वस्त करने की क्षमता उसका वो बम रखता है। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है, किस तरीके से UPSTF और पुलिस काम कर रही है? देखिए, जो गुड्डू मुस्लिम की बात कही जाती है कि वो 5 मिनट में बम को बना लेता है, क्योंकि हम आपको गुड्डू मुस्लिम की पिछली कहानी पर अगर ले जाएं, जिस समय वो लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टल में निवास करता था, उस दौरान इस बम खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भी लगी रहती थी और उस समय LU के अंदर काफ़ी बमबाजी की घटनाएं भी सामने आती थी, क्योंकि उसके पीछे जो हाथ रहता था वो गुड्डू मुस्लिम का था, क्योंकि वो सड़क चलते हुए भी बम बनाने का एकदम मास्टरमाइंड पूरी तरीके से हो चुका था, क्योंकि इसका पूरा नेटवर्क, या फिर बात की जाए ये किन किन लोगों के लिए काम करता था, फिर इसके अगर काम करने की बात की जाए, फिर चाहे वो माफिया मुख्तार अंसारी हो, या फिर बिहार का शहाबुद्दीन हो, या फिर पूर्वांचल का ब्रजेश सिंह हो, या फिर माफिया आतिक अहमद जिसका अंत हो चुका है, इन सभी के लिए वो लगातार काम कर रहा था। और जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड के बाद से वो फरार है, तो कहीं ना कहीं बड़े माफियाओं का इसको सहयोग मिल रहा है, इसको ठिकाने दिए जा रहे हैं जहां पर ये छुप सके। फिलहाल जिस तरीके से अभी एक इसका CCTV फुटेज सामने आया था, उसमें देखा गया था कि गुड्डू मुस्लिम बेपरवाह होकर के लगातार घूम रहा है, लेकिन जब तक वहां पर STF की टीम पहुंची थी उससे पहले ही वो फरार हो गया था। बिल्कुल कलीम, लगातार इतनी जद्दोजहद के बाद भी कहीं ना कहीं जो UPSTF और जो पुलिस है उन सभी के हाथ खाली है। धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए। कलीम, तो आपने देखा कि जिस तरीके से अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद कब्रिस्तान के अंदर कुछ युवक रहते हैं, वो उनकी आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, तो अब गुड्डू मुस्लिम के घर और दुकान के बाहर जो ये ताबीज है ये कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि लगातार अब जो गुड्डू मुस्लिम के पड़ोसी है वो ये कह रहे हैं कि ये वही तावीज है जो लगातार गुड्डू मुस्लिम को बचाए हुए है। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली और UPSTF की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है कि एनकाउंटर तो वो बेहद ही आसानी से कर देते हैं, लेकिन आखिर एक जिंदा आरोपी को पकड़ने के लिए और कितनी जद्दोजहद और कितना समय लेंगे, यह पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।